तो गाइस हमारा फिर से एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, हमारी पारू बनने के लिए जा रही है। और सबसे पहले तो आप हमारा पहले गांव देखिए कितना खूबसूरत है, और जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं बहुत यार ठंडी हवा लग रही है, पेड़ भी बहुत खूबसूरत है। सामान सारा आ चुका हमारी पारों का, अब मैकेनिक के पास लेके जा रहे हैं इसको, देखते हैं इसमें क्या क्या गड़बड़ है अभी और कितना पैसा लगेगा। गाइस इस गाड़ी में मेरी पारों में दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा है, अब खुलता है इंजन फिर देखते हैं इसमें क्या क्या गड़बड़ है। फिलहाल तो सामान हम पूरा ले आए इसका जो भी मैकेनिक ने लिखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं इसमें क्या क्या गड़बड़ है। बाकी बने रहेगा हमारे साथ क्योंकि आपके सामने ही गाड़ी खुलेगी, आप लोग देखिएगा। गाइस यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर है जहाँ पे बनवाने जा रहे हैं, और हमारे एरिया में केवल एक ही मैकेनिक है बुलेट के जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और कोई है नहीं। और अगर किसी के पास जाना है तो करीब 40-45 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और मेरी पारों इतने समय चलने के लायक में है नहीं, और इसीलिए हम लोग गाड़ी भगा भी नहीं रहे, बहुत आराम चल रहा है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मैकेनिक की दुकान पर, और यहीं पर हमारे पापा भी गाड़ी बनवाते थे, शकील अंकल हैं। पूरे हमारे एरिया में केवल एक ही मैकेनिक है बुलेट के, ओल्ड हो चाहे न्यू हो, सिर्फ एक ही मैकेनिक है जो गाड़ी बढ़िया बनाता है। तो अब देखिए कैसे गाड़ी बनती है, यहाँ पे थोड़ा गाड़ियाँ निकल रही तो मैं आप मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही होगी आप तक, तो आप केवल वीडियो देखिए अभी फ़िलहाल। तो गाड़ी सभी गाड़ी खुल रही है, थोड़ा बहुत सामान खुल चुका है, अभी धीरे धीरे पूरा खुलेगा, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या बदलाया जाएगा। अभी तो फिलहाल चाइनीज पॉकेट खुल रहा है। गाइस इसकी एक बोल्ट टेढ़ी हो गई थी तो वो काटी जा रही है, आवाज़ है यार बहुत है यहाँ पे गाड़ियों के लिए। गाइस सीट बेल्ट खोल चुकी है, बाकी साइड से नट बोल्ट खोल चुके हैं, अब देखते हैं क्या खुलता है। फिलहाल मुझे नहीं पता क्या क्या खुला जाएगा इसमें। तो गाइस ये देखिए हमारा मड गार्ड खुल चुका है और इसमें अब तान लगेगा, सारी वोल्टें खूब कायदे में जाम है, पानी डाल डाल के खोला जा रहा है, गैस बिल्डिंग से खोला जा रहा है। चलिए अब बंद तो रही ही है, फिलहाल बने रहेगा आप लोग हमारे साथ। अब गाइस ये गाड़ी देखिए हमारी थोड़ी थोड़ी रॉकी भाई जैसी लग रही है, KGF सुपरस्टार रॉकी भाई। तो गाइस देखिए तान लग चुका है। गाइस इन तानों का काम होता है कि गाड़ी को डिसबैलेंस नहीं होने देते हैं, हमारे में एक तरफ का था नहीं, कट गया था, नए लगवा दिए। गाइस देखिए मैं भी मदद करा रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं सच में करा रहा हूँ। गाइस तान लग चुका है हमारा और अब बारी है गियर बक्सा खोलने की, क्योंकि किक स्प्रिंग गड़बड़ है, तो अब हमारी इसमें किक स्प्रिंग पड़ेगी जो किक स्प्रिंग टूटी हुई थी। ये देखिए गाइस आपको दिखाते हैं कैसे हमारी स्प्रिंग टूटी हुई थी। गाइस ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं यही स्प्रिंग हमारी टूट हुई थी किक वाली, तो ये पूरा माल आया है, नया माल लेके आए हैं सब, सर इसमें डलवाएंगे। ये देखिए गाइस ये नई स्प्रिंग जो हम लेके आए थे, ये स्प्रिंग डाली जाएगी इसमें।
कैसे ये देखिए लग रहा है कॉइल जो करंट पहुंचाता है प्लग तक, ये नया पड़ रहा है 12 वोल्ट का। तो वैसे ये देखिए एक तरफ का पल्ला खुल चुका है और इसमें चैन इस पॉकेट फिट होगा। ये देखिए छोटू साफ कर रहे हैं। ये देखिए गाइस मोबिल किस तरीके का निकला, एकदम मिट्टी जैसा। ये देखिए एकदम मिट्टी हो गया मोबिल। जो हमारी वीडियो आपने देखी थी बुलेट इन्वर्टर वाली, इसमें तो उसी की वजह से ये सब हुआ है। ये देखिए नई ब्रेक पड़ चुकी है, नया ब्रेक योक शीशा लग चुका है। अब बारी है फिल्टर की, फिल्टर साफ हो रहा है। तो वैसे ये देखिए अब रूटर और जनरेटर की बारी है। गाइस तो हमारा रूटर और जनरेटर लग चुका है और ये जो बीच में रूटर लगा हुआ है ये जब घूमता है तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिसके कारण हमारे जो वायर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है गाड़ी चलने पे। तो अभी इस पर काम हो रहा है गाइस। तो गाइस ये देखिए अब मोबिल पड़ने जा रहा है। तो गाइस इस साइट में करीब आधा लीटर मोबिल पड़ता है और उसमें करीब अपने इंजन में पड़ता है 2.5 लीटर। Thank you.